हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कमाल का आरजीबी बल्ब बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये 7 मल्टी कलर वाला बल्ब होने वाला है और आप इसे दिवाली पर भी यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस कमाल के आरजीबी बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक खराब बल्ब की जरूरत पड़ने वाली है। और आप लोग बल्ब ऐसा लेना जो चलता ना हो, जिसका मदरबोर्ड वगैरह सब खराब हो चुका हो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बल्ब के सारे पार्ट्स को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसका मदरबोर्ड भी निकाल लिया है, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर दो वायर्स को सोल्डरिंग करना है। तो फटाफट से वायर कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वायर को सोल्डरिंग कर लिया है और आप देख सकते हो पीछे से मैंने अच्छे से यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा जो हीट सिंक है, हीट सिंक के ऊपर जो पीसीबी लगा है, इसे निकाल लेते हैं। तो हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर 7 मल्टी कलर आरजीबी लाइट, क्योंकि फ्रेंड्स सीधा 220 वोल्ट से चलती है। तो हम लोग इसे लगा सकते हैं बिना यहाँ पर चार्जर एडाप्टर मॉड्यूल के। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट हमें 220 वोल्ट देना है और ये चल जाएगी एलईडी। तो फ्रेंड्स, ये 7 मल्टी कलर की लाइट है, मतलब इसमें 7 कलर के अलग अलग कलर के लाइट आते हैं। तो ये आपको 35 रुपये में आसान से दुकान पर मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसे हम लोग इस लाइट को लगाने से पहले हम लोग थर्मल पेस्ट लगा देते हैं, जिससे कि हीट सिंक अच्छे से हीट एब्जॉर्ब कर पाए। मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है, मतलब हीट सिंक से खुद ही चिपक जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर दो वायर निकले, उसे यहाँ पर एल और एन पे सोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा सा एल और एन। फटाफट से मैं इसमें सोल्डरिंग कर देता हूँ, फिर इसके कनेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। अब क्या करते हैं, हम लोग इस कैप को लगा लेते हैं। और कैप लगाने से पहले मैं आपको एक बार इसे टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने होल्डर को डायरेक्ट एसी से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी वाइट कलर जल रहा है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही ऑन करके ऑफ करेंगे तो कलर बदल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से समझ नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ, कैप को लगाता हूँ और जो रूम के ऊपर जो होल्डर होता है उसमें लगा के टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लाइट को होल्डर में लगा दिया है। अब मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी वाइट कलर की लाइट जल रही है। अब जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगा और ऑन करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दो मोड चलते हैं और 7 अलग अलग कलर के यहाँ पर लाइट जलती है। यहाँ पर मैं अभी देखिए, यहाँ पर एक मोड चल रहा है और इसे ऑफ करके ऑन करूँगा तब देखिए स्मूथ वाला हो जाएगा, मतलब स्मूथ टाइप से कलर चेंज होंगे। अब फ्रेंड्स नॉर्मल कलर होंगे, जैसे कि रेड हो गया, फिर बंद करके चालू करूँगा ग्रीन हो गया। ऐसे फ्रेंड्स अलग अलग 7 टाइप के कलर आते रहते हैं। तो मतलब काफ़ी मस्त है ये लाइट, अगर आप बना सकते हो, दिवाली आ गई है तो यहाँ पर आप सजाने के लिए बना सकते हो घर को, वो काफ़ी मस्त है ये लाइट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस आरजीबी बल्ब की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी कमाल कमाल की दिवाली प्रोजेक्ट की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे कमाल की प्रोजेक्ट की वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।